पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने अपने भारतीय होने की बात याद दिलाई। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए निकी ने कहा कि वो एक भारतीय माता पिता की संतान है, उनके परिवार को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अमेरिका एक रंगभेदी देश नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है, तो वहीं ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अचानक कर्मचारियों से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। अफगानिस्तान के बलख प्रांत में एक आत्मघाती कार हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 41 घायल हो गए। मरने वालों में 2 सैनिक हैं, 6 सैनिकों की स्थिति गंभीर है। स्पेन में कोविड मामलों के उछाल से निपटने के लिए प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सितंबर में स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया, लेकिन शिक्षक और अभिभावक संघ स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। 2,39,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 8,16,000 से ज्यादा की मौत हुई है। अमेरिका, ब्राजील, भारत में सबसे ज्यादा तबाही है। स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 1 साल तक काम करने के बाद अब स्कूल लौट आई। उन्होंने भारत में होने वाली जी नीट परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन कंपनी करियर कंटेस्ट ने स्टाफ की छंटनी का फैसला किया, इससे 2,500 से ज्यादा नौकरियों की कटौती होगी। कोरोना महामारी में नुकसान की वजह से कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। हांगकांग में नए कानून का असर दिखने लगा। नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को हांगकांग की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 23 साल के टोंगथिंग पर 300 से ज्यादा प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप। स्विट्जरलैंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान ने पहली बार उड़ान भरकर नया कीर्तिमान साबित किया। विमान ने करीब 5,000 फीट ऊंचाई तक हवा में उड़ान भरी। पेयर्न प्रोजेक्ट बेस के पास विमान की सफल लैंडिंग भी हुई। इराक के अल फाओ ग्रैंड पोर्ट को गिनीज बुक में सबसे बड़ा ब्लैक वाटर पोर्ट घोषित किया है। गिनीज ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल कर लिया। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। इसे बनाने में $6 बिलियन का खर्च आया।